गुड मॉर्निंग फ्रेंड फ्रेंड्स, लास्ट टू क्लासेस में हमने डिमांड और सप्लाई के सारे फैक्टर्स कर लिए। इस वीडियो में आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि ये सप्लाई और डिमांड फंक्शन है या सप्लाई गिवन है, डिमांड गिवन है। जब सप्लाई डिमांड गिवन होता है तो किस तरह से मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है, जब मार्केट मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मार्केट मैकेनिज्म या मार्केट इक्विलिब्रियम वे प्राइस एंड क्वांटिटी को फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ाता हूं और उसमें चेंजेस इफेक्ट देखेंगे, प्लस मैथमेटिकल भी देखना है क्योंकि आपके एग्जाम में मैथमेटिकल तरीके से आता है कि किस तरह से निकालना है प्राइस एंड क्वांटिटी को। तो शॉर्टकट में देखते हैं, बहुत ईजी तरीके देखते हैं। देखो, मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपको डिमांड फंक्शन, डिमांड कर्व गिवन है। डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व किसी न किसी फंक्शन लेता है, क्वांटिटी डिमांड एक्स, मान चलो फंक्शन आप किसका होता है, प्राइस एक्स का। ओके, क्लियर है आपका। और जो सप्लाई होता है, सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व कहाँ से निकलता है, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स उसका, ये भी फंक्शन ऑफ प्राइस एक्स से निकला। यानी कि लेकिन ये सप्लाई फंक्शन पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है कि प्राइस इंक्रीज होगा, यानी कि प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होगी। और जो डिमांड फंक्शन है वो दिखाता है कि प्राइस का और इसका इन्वर्स रिलेशन होता है कि प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम ग्राफ में दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, आपको पता है कि ये हो जाता है आपका क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्राइस लेते हैं, ठीक है प्राइस। अब हम देखो एक ग्राफ बनाते हैं, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया। यहाँ से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लीनियर पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्राइस जीरो होगा सप्लाई जीरो होगी, ठीक है। और ये आपका डिमांड पढ़ते हैं, ओके, इसको भी टच कराते हैं हम लोग यहाँ पर, क्यों इसलिए टच कराते हैं क्योंकि प्राइस जीरो होगा तो डिमांड होगी इस प्राइस पर हाईएस्ट, और यहाँ पर डिमांड, तो अभी हम दोनों को टच नहीं कराते हैं। आप जानते रहिए कि सप्लाई फंक्शन डिमांड फंक्शन होता ही है, ठीक है, ओके। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हो गया। इसका मतलब होता है कि ये मार्केट में प्राइस इक्विलिब्रियम है और आपकी क्वांटिटी इतनी है, मतलब पी नॉट क्यू नॉट पर मार्केट इक्विलिब्रियम कहा जाएगा, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन आप सोचोगे कि इसका पढ़ने का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि मार्केट में इतनी डिमांड है, ठीक है, और मार्केट में इतनी ही सप्लाई है, तो सप्लाई डिमांड जहाँ पर इक्वल है, मतलब विलिंग टू सेल और एबल टू परचेज, यानी कि एबल टू परचेज आपने इसकी में केस में पढ़ा और विलिंग टू सेल इसमें पढ़ा आपने, तो जहाँ पर वो बेचना चाहता है, जहाँ पर वो खरीदना चाहता है, दोनों इक्विलिब्रियम हो जाता है, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम हो जाता है, इट इज़ ए मार्केट इक्विलिब्रियम विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बिना किसी के फोर्स के ऑटोमेटिकली मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, ड्यू टू द डिमांड एंड सप्लाई, ओके। फिर आपने पढ़ा होगा कभी भी, अगर मान के चलो सपोज दैट प्राइस फॉल हो जाता है, पी से पी वन हो जाता है, तो जब प्राइस फॉल होएगा तो डिमांड क्या होगी, बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइस फॉल होगा तो सप्लाई क्या होती है, कम होता है। तो जब प्राइस फॉल हो जाता है तो आप ये मान के चलो आपका ये हो गया प्राइस, तो जब प्राइस फॉल हुआ तो सप्लाई बढ़ गई, घट गई, मान चलो ये एच पे आ गई, ठीक, और ये डिमांड टी पे हो गया, तो यहाँ पर डिमांड कितना हो गया, डिमांड तो पी वन टी है, यानी कि अगर इसको यहाँ तक मिलाएं तो इतना है, लेकिन सप्लाई कितनी है, पी वन एच है, यानी कि इतनी मात्रा में ये क्या है, एक्सेस सप्लाई है, यानी कि इस केस में ये क्या हो रहा है, एक्सेस डिमांड, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, या इसको बोलेंगे शॉर्टेज सप्लाई, क्या बोलते हैं आप, शॉर्टेज सप्लाई, यहाँ पर सप्लाई शॉर्ट। अब होगा क्या मार्केट में, जब सप्लाई शॉर्टेज है, डिमांड ज़्यादा है, तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता है कि प्राइस क्या होता है, बढ़ता जाता है, और फिर से यहीं पर आ जाएगा, तो विदाउट, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसके साथ नेगेटिव होता है, तो यानी कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा और फिर से हम यहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक।
ठीक है। अच्छा अगर मान के चलो मार्केट में प्राइसेस पी टू हो जाता है तो इस केस में क्या हो रहा है आप देख लीजिए, इस केस में सप्लाई एक्सेस हो रही है, सप्लाई एक्सेस हो रही है। तो सप्लाई एक्सेस का मतलब होता है कि मार्केट में सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा गुड्स है और डिमांड कम है। तो मार्केट में अगर डिमांड कम है, इसको आप टी वन दे दीजिए, इसको एच वन दे दीजिए, यानी कि मार्केट में डिमांड तो पी टू एच वन की है लेकिन डिमांड जो है पी टू एच टी वन की है, इतनी सप्लाई है। तो सप्लाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा है डिमांड से, तो सिचुएशन क्या होगी कि जब सप्लाई एक्सेस होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस फॉल होगा क्योंकि कंपटीशन होगा सेलर में, तो रेट को डाउन करेगा, और जैसे जैसे वो रेट को डाउन करेगा तो डिमांड भी बढ़ता जाएगा। तो इधर से डिमांड फॉल हो इनकी जो होगी, इधर सप्लाई फॉल होगी, तो ऑटोमेटिकली आप इसी पॉइंट पे आएंगे। इसका मतलब होता है कि मार्केट मैकेनिज्म विदाउट एनी फोर्स, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ऑटोमेटिकली मार्केट इक्विलिब्रियम ऑलवेज इन पॉइंट। व्हाई? बिकॉज इफ सप्लाई एक्सेस होगा तो प्राइस फॉल होगा, अगर सप्लाई स्टार्टच होगी तो प्राइस बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इसी पॉइंट पर, इसे बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, अब देखो चेंजेस कैसे दिखाते हैं। चेंज का मतलब होता है कि मान चलो डिमांड कांस्टेंट है, मान चलो ये सप्लाई है, सप्लाई है और डिमांड है। ओके, अगर आप सप्लाई को फिक्स रखेंगे, अगर डिमांड ठीक है, ये प्राइस आपका एक क्वांटिटी है। अब मैं बोलता हूँ कि मार्केट में सडनली डिमांड बढ़ गई, किसकी वजह से? ड्यू टू अदर फैक्टर, आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अदर फैक्टर मतलब होता है कि डिमांड अप हो गई। ओके, तो इससे क्या होगा, सप्लाई में क्या होगा, सप्लाई में एक्सपेंशन होगा, ई पॉइंट से ई वन पे आ जाएंगे, यानी कि सप्लाई में क्या होगा, एक्सपेंशन, लेकिन प्राइस क्या होगा, इससे मार्केट में बढ़ जाएगा। ओके, तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो क्वांटिटी बढ़ी है ना, ये सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही, सप्लाई एक्सपेंशन हो गया, उसने ज़्यादा बेचेगा, मार्केट रेट ज़्यादा हो गया तो प्रोड्यूसर ज़्यादा सेल किया। अगर मार्केट में डिमांड कम हो गई तो क्या होगा, आप देख लीजिए प्राइस फॉल होगा, डिमांड कम होते ही वो सेलर भी, प्राइस कम होते ही डिमांड कम हो गई। तो अगर डिमांड किसी वजह से घट गई ड्यू टू अदर फैक्टर, क्योंकि डिमांड शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर, तो क्या होगा, प्राइस घट जाएगा। तो देखिए सप्लाई में एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन हुआ, डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, तो प्राइस ऑटोमेटिकली फॉल हो गई। तो क्लियर हुआ? तो इसे बोलते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड की वजह से कैसे प्राइस बढ़ता है, प्राइस घटता है। ओके, ठीक है। अगर मैं चेंज इन सप्लाई की बात करूं, अगर मैं सप्लाई को प्राइस को कांस्टेंट रखा था सप्लाई को, अब मैं आपको डिमांड को चेंज करता हूं। मान के चलो आपका ये डी डी है, ये सप्लाई है, अभी डिमांड कांस्टेंट है, किसी वजह से सप्लाई बढ़ गई। ओके, किसी वजह से सप्लाई बढ़ गई यानी कि इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा मार्केट में, प्राइस फॉल हो जाएगा, और जब प्राइस फॉल होगा तो डिमांड में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, डिमांड एक्सपेंशन, और जब सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो प्राइस क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, पी टू पी। तो इस केस में क्या होगा कि डिमांड क्या होगी, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो आप ई से ई वन पे जाइए फिर ई टू पे आइए। अब बताइए क्या हुआ, देखिए जैसे हमने इसमें कहा कि डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हुई, वैसे यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज हुई और सप्लाई डिक्रीज हुई, ठीक है, यस से यस टू पे चले गए। तो आपको ये बताना है कि जब प्राइस सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस डाउन आएगा, तो डिमांड एक्सपेंशन हो गया आपका। ओके, और जब मार्केट में सप्लाई घट जाएगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ते ही डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई का जो इंक्रीज डिक्रीज होने से, एक फैक्ट डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन होगा, अगर सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो डिमांड एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन होगा, और फाइनली क्या होगा कि एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये जो इफेक्ट है वो ड्यू टू चेंज इन सप्लाई है, ठीक है, ये है चेंज इन सप्लाई।
ठीक है, और ये क्या है, चेंज इन डिमांड। ओके, सो आपको देखना कि चेंज इन सप्लाई, चेंज इन डिमांड की वजह से मार्केट में कैसे इक्विलिब्रियम चेंज होते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये तो था आपका सिर्फ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ कि मार्केट में किस तरह से इक्विलिब्रियम होता है। ये क्लियर होगा मैथमेटिकल। अब आपको मैथमेटिकल समझाता हूँ, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास जगह नहीं है। सो प्लीज़ देखिए, चलो मैं पूरा मिटा देता हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ आपको। ओके, देखिए आपको मैं यहाँ दिया कि अगर गिवन द डिमांड फंक्शन सप्लाई, अगर इस तरह से सप्लाई फंक्शन होता है, इसको हम लीनियर में इस तरह से लिखते हैं, डिमांड को और सप्लाई को इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर प्राइस जीरो रहे फिर भी क्वांटिटी डिमांड कुछ ना कुछ होती है। ओके, और इसका मतलब होता है कि प्राइस जीरो रहे तो सप्लाई माइनस में होती है, तो इसलिए माइनस का साइन रखते हैं। अच्छा, इस डिमांड फंक्शन में हम माइनस का साइन इसलिए लगाते हैं, क्यों? क्योंकि माइनस का साइन इसलिए लगाने से क्या होता है कि निगेटिव रिलेशन दिखाता है, और क्या दिखाता है, ये पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है सप्लाई के साथ। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान के चलो हमारे पास ये जो डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन को लिखते हैं, मान के चलो बराबर कर लीजिए, आप लिखिए 110 माइनस 10p, सपोज दैट गिवन है, और इसको लिखेंगे माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 20p। ओके, आपको अगर मैं ये दे दिया आता है तो आप इसको फाइंड कैसे करेंगे? आपको क्वांटिटी फाइंड करना रहेगा और प्राइस फाइंड करना रहेगा, तो आप सीधे लिखेंगे, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम बराबर होता है जहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी सप्लाई आप या डिमांड रख दीजिए माइनस 100 प्लस 20p इज इक्वल टू 110 माइनस 10p। इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा 30p, और इसको ले जाएंगे तो यहाँ पर होंगे 210, यानी कि प्राइस कितना निकलेगा आपका बेटा जी, प्राइस निकलेगा 210 अपॉन 30, यानी कि 37। ओके, आप देखो इसको फंक्शन में कैसे दिखाते हैं। अगर इसको चीज़ को फंक्शन में दिखाएंगे तो 10 को डिवाइड करो, 10 को डिवाइड करो इससे, कितना हो जाएगा 11 रुपीज़, यानी कि मैक्सिमम प्राइस इज इक्वल टू 110 अपॉन 10, यानी कि 11, यानी कि आपको मैक्सिमम कितना रुपये रुपया 11 रुपीज़। ओके, और लेकिन क्वांटिटी कितनी है 110 की, यानी कि मैक्सिमम 110 तक डिमांड है, तो आपका इसका ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका DD बन गया बेटा जी। ओके, सेकंड में देखेंगे, क्योंकि ये 20 खड़ेंगे तो माइनस, यानी कि यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आपका ये सप्लाई फंक्शन बन गया। सप्लाई फंक्शन कितना निकलेगा कि 100 अपॉन 20, यानी कि 5। ओके, यानी कि 5 रुपीज़, तो ये 5 रुपीज़ आ गया। ओके, क्लियर। अब इक्विलिब्रियम कितने पे आया, 7 रुपीज़ पर, कितना रुपीज़ हुआ 7 रुपीज़ पर, ये क्वांटिटी आपको मिल गई। अब ये क्वांटिटी कितनी है कैसे निकालेंगे, इस 7 रुपीज़ को यहाँ पर पुट कर दीजिए, 110 माइनस 10p, यानी कि p की जगह पर 7 रखेंगे तो 110 माइनस 10 इंटू 7 × 2 = 14, 70, यानी कितना निकलेगा 40 आएगा। कितना आपका अभी आएगा, इस 40 इक्विलिब्रियम कितना निकला 40 क्वांटिटी, यानी मार्केट में सप्लाई डिमांड कितनी 40 है, प्राइस आपका 70 का 7 रुपये पर। ओके, तो इस तरह से आप निकालते हैं कि डिमांड फंक्शन दिया है, सप्लाई फंक्शन, तो क्वांटिटी आप कैसे निकालेंगे। अच्छा, फिर मैं बोलता हूँ कि चलो अभी एक न्यू डिमांड फंक्शन आ गया, देखो न्यू डिमांड फंक्शन, अगर न्यू डिमांड फंक्शन में हमने दे दिया है मान के चलो कि अभी हो गया 140 माइनस 10p आ गया, अब क्या करोगे, यानी कि डिमांड फंक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि 140 यानी कि डिमांड और जा रहा है। ओके, DD, अब आपको पता है कि DD होता क्या है, जब चेंज हुआ तो इसका मतलब सप्लाई बढ़ेगी, तो यानी कि अब आपको ये पॉइंट फाइंड करना है, ये क्वांटिटी फाइंड करना है और आपको ये प्राइस फाइंड करना है, प्राइस क्या आएगा, तो फिर क्या करेंगे आप, आपका डिमांड फंक्शन यही है,
सप्लाई फंक्शन आपका प्रीवियस रहेगा, तो क्या रखेंगे माइनस 100 प्लस 20p। ठीक है, आपका दो इक्वेशन बन गया, ये थर्ड था ये सेकंड था, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो थर्ड और सेकंड को फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 140 माइनस 10p इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 20p। ठीक है, 20 30p 150 कितना निकलेगा, 240। तो 240 यानी कि 8 रुपीज़ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 180 मतलब 30 मतलब 20। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर आके ना 140 240 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 30p 3 और 24 यानी कि प्राइस इज इक्वल टू 8 रुपीज़। ओके, प्राइस इज इक्वल टू 8 रुपीज़, और 8 रुपीज़ में क्वांटिटी कितनी आएगी, इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 140 माइनस 10 इंटू 8। ठीक है, 140 माइनस अर्धम 80 कितना मिलेगा, और 14 यानी कि 60 रुपीज़, कितना आएगा क्वांटिटी, कितना आएगा 60। क्लियर है, तो ई से ईवन पे आ गए आप, ये न्यू डिमांड फंक्शन है, ये प्रीवियस सप्लाई फंक्शन था, इतना क्लियर हुआ। ओके, यानी कि जब डिमांड फंक्शन चेंज होगा तो किस तरह से चेंज होगा, अब मैं बोलता हूँ कि मांग चलो कि सप्लाई भी चेंज हो गया, अगर मैं सप्लाई चेंज हो गया तो प्रीवियस डिमांड लेंगे, मान के चलो सप्लाई चेंज हो गया, चलो इफ क्वांटिटी सप्लाई चेंज, न्यू फंक्शन हो गया, हमने दिया 20 माइनस 2p 20p माइनस 40 यानी कि 40 माइनस 2p इधर कर देंगे यानी कि 40 हो गया, इट मीन कि सप्लाई क्या हो रही है, क्या हो रही है, सप्लाई इधर शिफ्ट हो रही है। ओके, जब सप्लाई शिफ्ट होगी तो सिचुएशन क्या होगी, सप्लाई सॉरी इधर शिफ्ट होगी। ठीक है, तो सप्लाई शिफ्ट हो गई यहाँ पर। ओके, तो आपको फिर से इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, तो 20p माइनस 40 है ही है। ओके, जब इसको आप फाइंड करेंगे तो कितना निकलेगा, क्वांटिटी 60 आएगी, और तो 20p को माइनस 40 या आप इसको लिख देंगे माइनस 40 बराबर करेंगे माइनस 40 माइनस 20p कर दीजिए आपने। ठीक है, तो माइनस 20 माइनस 40p है, तो दोनों को रख देंगे माइनस 40 माइनस 20p, एक आपका इक्वेशन बना, दूसरा बना आपका 110 माइनस 10p यानी कि पहले वाले ग्राफ का, यानी कि आप सप्लाई चेंज हो रही तो प्रीवियस डिमांड, प्रीवियस डिमांड। अब आपको ये पॉइंट फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो ये पॉइंट्स क्या आ गया, यहाँ पर प्राइस नीचे आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा 5 रुपीज़, कितना आएगा 5, कैसे, माइनस 140 माइनस 20p इज इक्वल टू 110 माइनस 10p यानी कि माइनस 30p इज इक्वल टू 150 यानी कि बराबर 6 रुपीज़, कितना प्राइस 6 रुपीज़, एंड इन 6 रुपीज़ को आप पुट के दीजिए यहाँ पर, कितने निकलेगा क्वांटिटी, 6 में 60 यानी कि कितना आएगा क्वांटिटी 50 आएगी, कितने आएगी क्वांटिटी 50 आएगी, तो जो क्वांटिटी आएगी आपकी वो कितना 50 आ गया, प्राइस 6 आ गया। तो बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, कराना ये चाह रहा था कि अगर आपके पास एक डिमांड फंक्शन दिया रहेगा तो इक्विलिब्रियम फाइंड कर लेंगे, फिर बोलता अगर डिमांड फंक्शन चेंज हो गया तो पिछला पहले सप्लाई हाई है उसके साथ न्यू डिमांड फंक्शन फाइंड करेंगे तो क्वांटिटी फाइंड मिल जाएगा, अगर फिर सप्लाई भी चेंज हो रहा है तो क्या होगा, बेसिकली उसी चीज़ को मैं न्यूमेरिकल कराया कि अगर डिमांड सप्लाई चेंज होता है तो मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए कि अगर आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आता है तो सिंपल डिमांड सप्लाई बना करके उसको शिफ्टिंग एंड मूवमेंट दिखाना है, लेकिन अगर मैथमेटिकल ग्राफ आता है तो अगर ये आपको फंक्शन इस तरह से दिया रहेगा, याद रखना ए जरूरी रहेगा वहाँ पर, ए ऑटोनोमस है, ए भी ऑटोनोमस है, ये बी का स्लोप होता है, बी के प्राइस के साथ कितना चेंज है, तो ये दिया रहेगा आपको, दोनों की इक्विलिब्रियम रख के आपको क्वांटिटी प्राइस निकाल करके इस तरह से ग्राफ को
रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आपका ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ क्या था, ये वाला पहला वाला ग्राफ दिखाता था 110 माइनस 10p का, ठीक है। ये जो ग्राफ दिखाता आपका है, ये था 140 माइनस 10p का ग्राफ दिखा दिया। प्रीवियस सप्लाई कर्व दिखा रहा था आपका 100 माइनस 100 प्लस 20p का था, ये सप्लाई कर्व आपका हो गया माइनस माइनस 20p माइनस 40। तो बेसिकली डिमांड फंक्शन अलग अलग है, सप्लाई फंक्शन अलग है, लेकिन जब एक दो टेंजेंट करेंगे तो आपका इक्विलिब्रियम निकलेगा, ठीक है। प्लीज़ नोट डाउन, थैंक यू।